हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए ये मॉडल है सैमसंग का F02S। अब लोग दिखाने का कोशिश करेंगे हम थोड़ा। ये लिखा आ रहा है, देखिए देखिए सैमसंग का लिखा है, सैमसंग गैलेक्सी। लाइट नहीं है, ग्राफिक्स आ रहा है। तो ये मॉडल है F02S। तो अभी देखिए इसमें कैसे करके बनाते हैं हम लाइट को। पहले तो वोल्टेज चेक करेंगे इसमें। ये मल्टीमीटर का जो प्रोब है, ब्लैक वाला ग्राउंड में रखेंगे और रेड वाला कैपेसिटर में रख के चेक करेंगे। ये माइनस है, ये पॉजिटिव है। देखिए 3.7 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। डायोड का भी इधर देख लेंगे, डायोड में भी वोल्टेज आ रहा है, देखिए 3.7। तो ये साइड में आ रहा है इसका, ये जो कॉइल है ये साइड में भी आ रहा है, लेकिन इस साइड में फ्रेंड्स देखिए नहीं है कॉइल का, ये साइड में कोई वोल्टेज नहीं है। ये साइड में है, ये साइड में नहीं है। थोड़ा जूम करके दिखाएंगे आप लोगों को, देख लीजिए पकड़ के रखा है हम। देखिए एक साइड में वोल्टेज है 4.0 और दूसरा साइड में नहीं है। तो ये जो छोटा वाला कॉइल है काला वाला, ये कॉइल को हम उठा के जम्पर कर देंगे। बैटरी खोल लेते हैं पहले हम। बैटरी खोल के मल्टीमीटर को बाजार रेंज में ले जाएंगे। ले जाके अभी चेक करेंगे। ये यहाँ से ये कॉइल तक देखिए बीप साउंड आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है देखिए। फिर यहाँ से यहाँ तक एकदम आना चाहिए डायरेक्ट, लेकिन नहीं आ रहा है। फिर इस साइड में चेक करेंगे तो आ रहा है देखिए, लेकिन इस साइड में नहीं आ रहा है। तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक एक जम्पर कर देंगे हम। हम यहाँ पे नया कॉइल नहीं लगाएंगे, एक सिर्फ छोटा सा जम्पर कर देंगे। छोटा सा जम्पर करने से ही काम हो जाएगा। देखिए ये पतला वाला जम्पर ऑयल ले लिया हम। और इसको एकदम छोटा जम्पर इसको यहाँ से यहाँ तक कर देंगे। ये अधिकतर इसका A02S, F02 सब सेट में प्रॉब्लम आता है। M12, A12 सब में ये लाइट का प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है फ्रेंड। ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, डायरेक्ट ये कॉइल सबको चेक करना है। कुछ लाइट ऐसी वैसी नहीं जाता है सबका।
से ये ब्लेड से हम काट कर दिया, अभी तो थोड़ा क्लीन कर लेंगे, क्लीन करके दिखाएंगे आप लोगों को। फ्रेंड्स देखिए अभी ये जंपर को देखिए, यहाँ पे हम जंपर कर दिया, यहाँ पे जो है यहाँ से यहाँ तक तो जंपर कर दिया। अभी यहाँ से यहाँ तक हम चेक करेंगे, ये जो है ये जो एक नंबर पॉइंट है यहाँ पर चेक करेंगे हम मल्टीमीटर से बाजार रेंज में डीप साउंड दे रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए अभी बीप साउंड आ रहा है, तो इसका डायरेक्ट हम एलसीडी लगाएंगे, एलसीडी कनेक्ट कर दे रहे हैं अभी हम, एलसीडी कनेक्ट करके बैटरी लगा के चेक करेंगे एक बार ऑन करके लाइट आ रहा है कि नहीं, ये सक्सेस हुआ है कि नहीं। देखिए अभी हम ऑन कर रहे हैं इसको, देखिए ये फिर भी सक्सेस। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें लाइट आ गया है, लेकिन मेरा पुराना वाला फोल्डर में लाइट नहीं आ रहा है, क्योंकि लाइट का भी प्रॉब्लम है इसमें, लाइट का एलसीडी में लाइट का भी प्रॉब्लम था, तो कुछ ट्रैक कटा हुआ है एक, तो उसको भी हम जंपर करेंगे आप लोगों को दिखाएंगे। तो देखिए